بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الحمد لله هم جماد الثاني كما گزر رہے ہیں هي افضل البشر بعد الانبياء سيدنا عثمان بن ابي كُهَافَة ابو بكر الصديق العتيق رضي الله تعالى عنه كابو صال مبارك هو अल्लाह व तआला ने हमें नबी करीम वसल्लम का उम्मती बनाया और हमें अकीद अहले सुनत अता फ़रमाया और अहले सुन्नत का अकीदा वो अकीदा है जो कि पिछली चौदह सदियों से चला आ रहा है और अहले सुन्नत का अक़ीदा है जिसको आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहीमहुल्लाह तआला ने एक शेर में बिल्कुल हमारे लिए मुख्तसर करके बयान फ़रमा दिया कि अहले सुन्नत है बेरा पार अब हुजूर नजम है और नाव है इफरत रसूलुल्लाह की इमाम अहले सुन्नत फ़रमाते हैं कि अहले सुन्नत है बेरा अहले सुन्नत की जो कश्ती है ये कामयाब हो गई है इसका बेरा पार है कामयाब हो जाएगी और वजह फिर आला हज़रत बयान की क्यों क्योंकि असाब हुजूर नज है अला हज़रत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की तशरी की नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबी ही का नजुम कि मेरे हैं जितने भी अब हैं तमाम के तस, तमाम वो सितारों की मानंद हैं सितारों की तरह हैं भी अ येम इकतदई तुम अहतदई तुम उनमें से जिस किसी की भी पैरवी करोगे तुम हिदायत पाओगे तो अला हजरत कहते हैं कि अाब हजूर नजमें हैं और फिर नाओ है और कश्ती क्या है इतरत रसूल्ला की अहल सुन्नत की अहल बैत पाक और यहाँ पर आला हज़रत ने नबी करीम सलील्ल वसम्म की उस हदीस की तशरीफ़ फ़रमाई जहाँ पर नबी करीम सल्ला वसम्म ने इर्शात फरमाया कि मसल अहल बेई थी का सफ़ीनती का सफ़ीनती नूह के मेरे अहल बैत की मिसाल ऐसी है जैसे हजरत नू आसम की कश्ती मन रकीबा नजात जो उसमें सवार हो गया वो नजात पा गया और जो पीछे रह गया हल वो हलाक हो गया अब इन दो अदीस को अला हज़रत ने जमा किया कि सहाबा जो हैं वो सितारों की मानंद है और पुर, पुराने ज़माने में जब सफ़र करते थे बिलखसूस जो बैरी सफ़र था तो तारों के ज़रिए से रास्ता मालूम किया जाता था तो अला हज़रत अब कह रहे हैं कि हमें क्योंकि सहाबा से मोहब्बत है सहाबा से अक़ीदत है तो हमारे लिए जो रास्ता है वह आसान है क्योंकि हमें मंजिल तक पहुँचना है मंजिल क्या है जन्नत मंजिल क्या है अल्लाह साल की रज़ा मंजिल क्या है रसूल सल्ह वम तो हमने मंजिल तक पहुँचना है तो रास्ता क्या है सहाबा सो लिहाजा सहाबा से अकीदत मोहब्बत ये आपको रास्ता बताएगी मंजिल तक पहुँचने के लिए अब मंजिल तक पहुँचने के लिए सवारी भी चाहिए तो सवारी क्या है नबी करीम सलील वसलम के अहल बैत तो अहल सुन्नत वह लोग हैं जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं सहाबा से भी अकीदत रखते हैं और अहल बैत पाक से भी महबत करते हैं तो इसीलिए आला हजरत हमारे लिए कह दिया कि अहल सुन्नत का है बेरा पार असाब हज़ूर नजम हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहाब से भी मोहब्बत करते हैं और हम अहल बैत क्राम से भी मोहब्बत करते हैं अगर कोई शख्स सहाबा से बुग्ज रखे या कोई शख्स अहल बैत से बुग्ज रखे तो वो कतअ अन अहल सुन्नत में से नहीं है और जो अहल सुन्नत में से नहीं है उसका बेरा पार नहीं होगा यानी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ऐसा दौर है जिसमें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फितनों के साथ उबर रहे हैं और आगे आ रहे हैं आप देखेंगे लोग अहले बैत के खिलाफ बातें करेंगे सहाबा क्राम के खिलाफ बातें करेंगे तो याद रखें कि नबी करीम सल्ह् वम ने हमें अदीस में ये बताया है कि सहाबा से भी महब्बत लाजम है और अहल बैत से भी महब्बत लाजिम है अब सहाबा कराम के हवाले से क्योंकि सहाबा जो सहाबा कर उनमें अहल बैत भी शामिल हैं तो अब साहब कराम आलिवान के हवाले से नबी करीमलम के हदीस में एक बयान कर दूँ ताकि हमारे लिए बिल्कुल आसानी हो जाए और फिर जब भी जेन में कोई भी सहाबा के खिलाफ बात आए किसी के जहन में भी या किसी को सुने तो ये जब हदीस जैन में होगी तो फिर आप लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी आपका जहन आपका मन साफ़ हो जाएगा नबी करीम वसल्लम ने फरमाया तसब्बु अबी फरमाया कि मेरे अहाब उनको बुरा भला मत कहो फिर फरमाया फलोदिन मलदी वसीफ़ फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स एक शख्स उहद पहाड़ की मिसल सोना की बारगाह में ख़र्च करे और फिर मेरा सहबी मुठ्ठी बर या उसका भी आधा एक मुद या उसका भी आधा अल्लाह की बारगाह में हर्ज करे तो जो मेरे सहबी ने हर्ज किया उसका मर्तबा और मकाम बहुत ही ज़्यादा उससे बुलंद है यानी कोई शख्स अगर ओहद पहाड़ जितना सोना ओहद पहाड़ की जो लंबाई है वो कम से कम 20-25 किलोमीटर होगी अब उतना एक बंदा जो साहबी नहीं है वो हर्ज करे और साहबी थोड़ा सा हर्ज करे तो सहाबी का जो थोड़ा हर्ज करना है वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल है क्यों क्योंकि वो सहाबी है क्यों क्योंकि उसने नबी करीम अलैहि वसल्लम की सहबत में चाहे एक लम्हा गुजारा लेकिन नबी करीम अलैहि वसल्लम की सहबत हासिल की इस नस्बत की वजह से अल्लाह व तआला ने उन्हें यह मर्तबा और मकाम मकामता फ़रमाया तो फरमाया ला तसब्बु असाबी मेरे अब को बुरा भला मत कहो इसी तरह एक और हदीस में फरमायाक्रीम वी फ़ इन्ना खियारुकुम फरमाया कि मेरी सहाबा की इज़्ज़त करो मेरे सहाबा का अहतराम करो क्यों क्योंकि वो तुम में से सबसे बेहतरीन लोग हैं यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बेहतरीन लोग सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं सो यहाँ से हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जितने भी सहाबी हैं तमाम के तमाम सहाबी जन्नती हैं अल्लाह व सुबहन तालन मजीद में फरमाता है कि वअदल्लाहुल वकुल्लसन कि अल्लाह सुबह ने हर एक के साथ हसना का भलाई का अच्छाई का यानी जन्नत का वादा फ़रमा दिया तो तमाम के तमाम अहब पूरी उम्मत में अफजल हैं अब सहाबा में भी दर्जे हैं यानी वो सहाबा जिन्होंने फतहा मक् से पहले इस्लाम कबूल किया उनका मरतबा बुलंद है फिर वह जो सुल्ह देबिया में मौजूद थे उनका और बुलंद है फिर वो जो अब बदर हैं यानी जंग बदर में मौजूद थे उनका और बुलंद है इसी तरह फिर जो दस सहाबी हैं जिन्हें हम अल-अशरतुल मुबशरा कहते हैं जिन्हें अल्लाह अल्ला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत नाम लेकर अता फ़रमाई उनका अपना मर्तबा है फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम के चारों उनका अपना मर्तबा है और फिर चारों यारों में सदना अबूबकर सद्दीक रदी अल्लाह उनका अपना मरतबा है तो यह हमें याद रखना चाहिए कि तमाम अब उनका मकाम वरावरा है और तमाम असहाब में सब से अफजल सदना अब बकर तू है अब सैना बकरू आपकी जो सीरत है वह हम समात करते रहते हैं आपका मरतबा मकाम हम समात करते हैं ये याद रखें कि अल्लाह सुबहना हुआ तुरन मजीद में सैना बकर रदी के हवाले से मुख्तफ मकाम पर जिक्र फ़रमाया हाँ नाम लेकर नहीं लेकिन अगर किसी सहाबी की सहाबियत कुरान से साबित है तो वो सिर्फ़ एक सहाबी है और वह सईदना अब बकरी करदी अल्लाह तन की जात है अल्लान तब नबी करीम सली वम ने, ने, ने सैदनाबूबकर तैन के साथ हजरत फरमाई तो उसको जब अल्लाह सुबैन व तैने मजीद में बयान फरमाया तो फरमाया इस अकून साखीबी ही कि जब नबी करीम वसल्लम ने अपने साहिब से यानी अबू बकर बकरी रदी अल्लाह तू से कहा लातज़न लातज़न माना के व तआला हमारे साथ है तो यहाँ पर सहाबियत का जो जिक्र है वह सईन बकरी तु है लिहाजा सहाबा में वो एक शख्सियत ऐसी हैं जिनका तजकरत के अतबार से कुरान में हुआ और वह सईदना अब बकरीक रदील्ला है सैना बकर रदी तमाम अब अफजल हैं इस पर बहुत सी अदीस मौजूद है। हैं सदीबल्ला फरमाते हैं कि नबी करीम सलम के ज़माना में नुहरूफ़ी नबी सम ये बातें करते थे कि सबसे अफजल कौन है सबसे बेहतर कौन है सबसे नबी करीम सल्म को पसंदीदा कौन है तो जब हम ये बातें करते तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अफजल सबसे बेहतर सैदना बकर सिद्दीक बकरी अल्लाह तू की जात है फिर उमर रदी अल्लाह तहु तो इससे हमें पता चल रहा कि सीदना बकरू तमाम अहाब में अफजल है फिर इसी तरह जो खिलाफत सईदना बकरू है तो रसूल सल्हसमा ने अपनी हयात ज़ाहरी में अब बकरी त खलीफा चुन लिया था अब सराहतन अल्फाज नहीं है लेकिन जब फरमाया कि मोरू अबा बकर फल सली बज के हुक्म दो अबू बकर रदी अल्लाह तक कोई को वो नमाज पढ़ाएँ तो नमाज कौन पढ़ाता है जो अमीर होता है नमाज कौन पढ़ाता है जो सबसे ज़्यादा इल्मा होता है तो सईना बकर सबसे ज़्यादा इल्मे थे नबी करीमल वसम की हदीस है साहबी फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्हुसम ने शाद़ फरमाया और ख़ुतबे में फरमाया कि अल्लाह सुबहाना तै का एक बंदा है और अल्लाह सुबहाना ने उसे इख्तियार दिया और इख्तियार ये दिया कि अगर वह चाहे तो इस दुनिया में रहे और अगर वह चाहे तो अल्लाह सुबहान तला जाए तो फिर फरमाया कि उस अल्लाह के बन्दे ने उस के बंदे ने अला सुबहान जाने को बेहतर समझा उसे तरजीह दी और उसे कबूल किया तो जब नबी करीम सलीस ने यत फरमाया तो वह सहाबी कहते हैं कि हमने देखा कि हमें आवाज़ आ रही थी रोने की तो हम देख रहे थे कि कौन रो रहा है देखा बो बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तो रहे हैं जब हमने देखा तो हम सोच रहे थे कि वो क्यों रो रहे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे फिर फरमाते हैं कि हमें बाद में जाकर पता चला कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमा रहे थे तो उस वक्त उस बंदा से मुराद ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ताक्स थी फरमाते कि हम में से कोई नहीं समझा लेकिन सबसे ज़्यादा इल्म वाले जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ वाकिफ थे वो सईद बकर सिद्दीक थे तो वह उस वक्त समझ गए लेकिन हम नहीं समझे तो को फरमाया कि वे ये नमाज़ पढ़ाएं इसी तरह एक और हदीस है जो कि जाम तिरमज़ी में मौजूद है सैद आयशा सदी रदी अल्ल् तन्हा फरमाती हैं कि कौल रसूल सल्हु वसम के रसोल सल्ह वसलम फ़रमाया कि ला बगीम फ़ीम अबू बकर फरमाया कि मुनासिब ही नहीं है उस कौम के लिए कि जिसमें अबू बकर रदी अल्लाह तु हूँ कि कोई और वहाँ पर नमाज पढ़ाए, तो यहाँ से पता चला कि सईद बकर रजी अल्लाह त रसूल स खिलाफत के लिए चुना क्योंकि जब इमाम मौजूद ना हो तो क्या करता है कि वो नायब किसको बनाता है जो कि सबसे ज़्यादा इल्म में मजबूत हो जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो तकवा जिसका सबसे ज़्यादा हो तो सैना अब बकर रदी अल्लाह तन के हवाले से फरमाया कि अगर अब बकर मौजूद हों तो फिर सबसे ज्यादा मुस्तक वो हैं सबसे ज्यादा हक वो रखते हैं कि वो नमाज पढ़ाए अब जो आज guidance, आन्हु तो मैं हदीस एक बयान करना चाहता हूँ सयद नब्बर सद्दीक रदी अल्लाह तु के हवाले से सद नमर रदी अल्लाह तन सईन उमर रदीन फरमाते हैं कि अमरना रसूल सल्हल वसलम कि रसूल सल्हस ने हमें हुक्म फरमाया कि हम अनदका के हम सदक़ा करें अब जब हुक्म फरमाया कि सदका करें तो कहते हैं कि उस दिन मैंने सोचा और खुद से कहा कि अलयोम असबिको अबा बकर इन सबक तो हूँ योमन उस दिन मैंने खुद से सोचा कि अगर मैं अब बकरी अल्लाह तू से किसी चीज़ में सबकत हासिल कर सकता हूँ आगे बढ़ सकता हूँ तो वह आज का दिन है तो आज के दिन मैं उनसे आगे निकलूँगा यानी अल्लाह सुबहान तारका में ज़्यादा माल खर्च करूँगा अब यहाँ पर देखें कि दुनिया में आज हम क्या करते हैं हमारे दरमियान कम्पटिशन होता है यानी जब किसी के पास हम ज़्यादा माल देखें ज़्यादा पैसा देखें तो हमारा होता है कि हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए ज़्यादा मेहनत करते हैं इसी तरह किसी के पास कोई घर देखें तो हमारा ये होना है ये जहन में होता है कि इससे अली शान मेरा घर होना चाहिए किसी के पास गाड़ी देख लें यानी कम्पटिशन हमारा दुनियावी अतबार से है लेकिन दीनी एतबार से हमारे पास कोई कम्पटिशन नहीं है अब सहाबा दीनी एतबार से यानी यह कोशिश होती कि अल्लाह की रज़ा कैसे तलब करें इसमें आपस में उनकी कंपटीशन होती अब देखें सर नमर रदी अल्लाह तू अब ये अल्लाह अल्लाहान तौ की निगाह में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में यानी सरखुरू कैसे हूँ सबक़ कैसे हासिल करें उनके महबूब कैसे बने तो अब इसमें कंपटीशन है लिहाजा जब हम कंपटीशन दुनिया में किसी से करें तो नवाफिल के अतबार से करें कि यार वो शख्स बीस नफिल पढ़ता है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं तीस पढ़ूँ अगर वो शख्स रोज़े रखता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए मैं अगर वो सोमवार वाले दिन रखता है तो मैं सोमवार और जुमेरात को रखूँगा तो मुकाबला इसमें होना चाहिए तो सैना उमर रदी अल्लाह तुन कहा कि आज मैं सबकत हासिल करूँगा था, मैं ज़्यादा नेकिया हासिल करूँगा अल्लाह को मैं खुश करूँगा अल्लाह की रज़ा मैं तलब करूँगा और सही बकर रदी अल्लाह तुझे सबकत हासिल करूँगा यहाँ से हमें पता चलता है कि हर चीज़ में जो सबकत ले जाते वो बकर थे वो 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 सदीक रदी अल्लाह तुथे यानी हर चीज़ में जिस मामले में अच्छाई में नेकी में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लेते थे वो सही बकरे आज सही नमर कहते हैं कि आज मैंने सोचा कि आज का दिन है मौका है कि आज सबके तासी करूँ तो कहते हैं कि फजी तू मैं आया बिनिस विमाली अपना आधा माँ लेकर जब मैं आया तो फ़क रसोल्ला सल्ला वसलम रसोल्ला ने फरमाया कि माँ अब कई तले हले क्या उम्र अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो तो फकुल मैंने कहा मिसलू कि जितना मैं यहाँ पर लाया हूँ इतना यानी आधा घर वालों के लिए छोड़ आया हूँ फिर कहते हैं कि वह आता अबू बकर बिक मा इंद बिक्ली मा इंद हूँ फरमाया कि फिर अबू बकर सिद्दीक और वो जो कुछ उनके पास था वो तमाम का तमाम ले आया अब यहाँ पर जो हदीस है मशिकातमसाभ में ये छोटी है लेकिन आ, बाकी कुतुब में ये हदीस तफसील के साथ मौजूद है ना उमर रजील्ल्ला तरमाते हैं दूसरी हदीस में कि जो मेरा माल था हालांकि मैं आधा माल लाया था वो सयदना बकर जो अपना कुल तमाम का तमाम माल लाए हैं मेरा उनसे ज़्यादा था तो मैं खुश था कि आज मैं ज्यादा लाया हूँ फिर कहते हैं कि फ़काल रसोल स के रसोल्ला ने फरमायालील्लह या अबा बकर के अब बकर माँ अब कई तलिया हले तुम अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो तो अब सैन उमर रदी खुश हैं कि मेरा माल जो है वो आधा है और बजाहिर तो ज़्यादा नजर आ रहा है तो फरमाया अब बकर अब कई तोल्ला अल्लाह अकबर कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल छोड़ा यानी अल्लाह सब कुछ ले आया हूँ अब जो मामला करना है घर वालों ने रहना कैसा है क्या खाना है क्या पीना है वह अल्लाह जाने और अल्लाह के रसूल सल्लासम जाने फिर सही उमर कहते हैं कि कुल तो मैंने कहा कि ला असबू इलाश इनाबादा कि मैं कभी भी अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं निकल सकता क्यों क्योंकि उनका मरतबा ऐसा है मकाम ऐसा है कि अगर थोड़ा भी खर्च करें लेकिन खलूस इतना होता है और लहियत इतनी होती है कि उसका मरतबा बुलंद हो जाता है सचिन उमर कहते हैं कि मैंने उस वक्त कहा ना होना अबू बकर से आगे कोई नहीं निकल सकता उनकी शान वरा है उनकी शान ऐसी है कि थोड़ा भी खर्च करें लाहियत इतनी होती है अखलास इतना होता है सन्सेरिटी इतनी होती है कि अल्लाह की निगाह में अल्लाह की बारगाह में उसका और मकाम अलग ही होता है तो ये है अब बकर रदी अल्लाह तन नबी करीमल ने एक और हदीस में फरमाया कि मुझे किसी के माल के ने इतना नफ़ा नहीं अता फरमाया नफ़ा नहीं दिया जितना अब बकरी अल्लाह तु के माल ने मुझे नफ़ा दिया और इसी तरह एक और हदीस में नबी करीमल व फरमाया कि दुनिया में जितने भी लोगों ने मुझ पर एहसानात किए दीन पर एहसानात किए सब का बदला दे दिया है सब का बदला मैंने लुटा दिया है लेकिन अब बकर रसद्दी करदी अल्लाह तह उनका बदला जो है वो क़यामत के दिन खुद अल्लाह सुबहान तरमाएगा जो उन्होंने एहसानात मुसलमानों पर और इस्लाम पर किए हैं तो यह है मरतबा मकाम सैदन अब बकर रसदीक रद्ल तदब्दी करद्ला सच ए कम्पनियन हु वुड बी रेडी टू सेक्रीफाइस Anything and everything for Rasulullah. Sallallahu wasallam. We learn from this hadith that he came and he bought whatever he had and he gave it and he presented it in the court of Sayyidina Rasulullah. Sallallahu wasallam. Sayyidina Umar says that I thought today I will, you know, I'll take the first place and that today is the day that. You know, I will make Rasulullah sallallahu happy, and I will beat Abu Bakr today. Every time Abu Bakr as-Siddiq radiAllahu anhu is the one who seeks the pleasure of Allah, and he is the one who seeks the pleasure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Today is my day, and if I can, if I can be Abu Bakr ever in earning more reward, then today is the day. And he says that I bought half of whatever I had at home, half of that I bought, and I presented it in the court of Rasulullah sallallahu and Sayyidina Abu Bakr as Siddiq, radiallahu anhu, he bought everything. He bought everything and he presented it in the court of Rasulullah. And then Rasulullah asked Sayyidina Abu Bakr, What have you left at home for your family? Sayyidina Abu Bakr as Siddiq replied, that, I left Allah and His Messenger. Meaning that I, my tawakkul, my trust is on Allah and His Messenger. So what will they eat? Allah will provide for them. Allah's Messenger will provide for them. Yeah, What will they drink? Allah and His Messenger وسلم, will provide for them. This is the belief of Sayyidina Bakr as-Siddiq. This is how much trust, tawakkul he had in Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger. And at the end, Sayyidina Umar, عنه, he said, and he says that I cannot be Abu Bakr ever in earning more reward. He is always the first one. To earn the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, to seek the pleasure of Allah and to seek the pleasure of the Messenger So Sayyidina Bakr Siddiq عنه, whenever it was time for sacrifice, the first person in the line to give sacrifice, in front row you would see Sayyidina Abu Bakr Siddiq whether that through his health or wealth, he sacrificed everything for Rasulullah and if you look at his life, there are many incidents which we can mention from which we learn that Sayyidina Abu Bakr as Siddiq radiallahu anhu was an individual who was ready to sacrifice. And not only ready, and he did sacrifice even his life. He put at stake for Rasulullah. Sallallahu and he was proud of this. He was happy of this. In Makkah al Mukarramah, Sayyidina Bakr as Siddiq radiallahu anhu towards the start of Islam, he was beaten. And you know, he was beaten with severity. Sayyidina Bakr as Siddiq radiallahu anhu. But still, he did not leave Islam even though his relatives and people around him said that, Is this what you get in Islam? Is this the response? Is this the fruit? Sayyidina Bakr as Siddiq radiallahu anhu did not care about what they said. All he would do is say that, Where is my Rasulullah sallallahu Then we learn that he was present in all the battles with Rasulullah sallallahu Yes, we learn that he gave everything since. He accepted Islam till the day he left this world for Rasulullah for Islam to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So Sayyidina Bakr Siddiq anhu is such a personality who has many favours upon Islam. And Rasulullah said, that I have paid back the favours of everyone but Abu Bakr. And Abu Bakr's favour. He will be paid back for his favours on the Day of Judgment by Allah subhanahu wa ta'ala. So we are drowned in the favours of Sayyidina Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. So it's incumbent upon us that we learn about Sayyidina Bakr as-Siddiq. We teach our children about Sayyidina Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. teach our youngsters about Sayyidina Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Yes. So Sayyidina Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. He is the first caliph of Islam the most superior after the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and according to some narrations it mentioned that he will be the first person to enter paradise the messenger of Allah SWT mentioned regarding him anta atiqum min yes that oh Abu Bakr you are free from hellfire atiq means the one who's free from hellfire and this is one of his titles Abu Bakr as-Siddiq Siddiq the most truthful the one who always speaks the truth and then atiq the one who's free from hellfire so Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiAllahu anhu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to him that you are my brother and you are my companion anta akhi wa sahibi you are my brother and you are my sahibi and then messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that you will be my companion my sahib on the howd, on the uh, on al-kauthar Yeah. so Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama when he will be giving water and he will be quenching the thirst of his a nation on the day of judgment, so someone who will be with him is Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. So, in order for you to drink, and if you want to drink and quench your thirst from Al-Kawthar, then you need to remember that not only seek the pleasure of Allah, not only praise Allah, not only praise the Prophet, sallam, but you must also love Abu Bakr as-Siddiq and all of the companions and all of the Ahlul Bayt, the family of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, we Ahlul Sunnah. We love the Ahlul Bayt, the family of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the household of the Prophet wasalam, and we also love all of the Ashab. Every single companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we believe, is a Jannati. I pray to Allah subhanahu wa taala. May Allah subhanahu wa taala give us the ability to follow the footsteps of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu an. May Allah subhanahu wa taala give us the ability to. أحب الصحابة عند أهل البيت أصل لفظ مس صلى الله عليه وسلم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم